नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। अभी जो तस्वीरें आपने अपनी स्क्रीन पर देखी, इन तस्वीरों से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको बता देते हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा सिंह हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। ये सुर्खियों में तब आई थी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता अध्यक्ष रहते हुए तत्कालीन सांसद और अब मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया था। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसी ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारने का फैसला कर रही है। एक ऐसी नेता जिसने तब के तत्कालीन सांसद योगी की रोक दी थी राह, अपनी बेबाकी और समाजवादी पार्टी के लिए जुनूनी है ये नेता, जिसने सपा कभी न छोड़ने की खाई है कसम। अपनी बेबाकी और आक्रामक तेवर की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा सिंह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। और अब जब यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति के मैदान में अपना दम आजमा रही हैं, ऐसे में एक बार फिर सपा नेता ऋचा सिंह चर्चा में बनी है। आपको बता दें कि साल 2017 में इन्होंने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन चुनावी मैदान में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के सिद्धार्थनाथ से इन्हें हार मिली थी। ऋचा सिंह को 60,000 वोट मिले थे, लेकिन अब 2022 चुनाव में एक बार फिर से ऋचा सिंह चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा सकती हैं और इस बार भी प्रयागराज पश्चिम विधानसभा से ही लड़ सकती हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह को पहले ही प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट की कमान मिल चुकी है। आपको बता दें कि ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली महिला छात्र नेता अध्यक्ष हैं। और तब ये बहुत सुर्खियों में आई थी जब तत्कालीन सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया था। ऋचा सिंह का कहना है कि वो समाजवाद की राजनीति में विश्वास करती हैं और सपा को लेकर ऋचा सिंह कितनी जुनूनी हैं, इस बात का अंदाजा उनके एक FB पोस्ट से लगाया जा सकता है। वो लिखती हैं, जब तक जिंदा हूं समाजवादी परिंदा हूं। प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र आपराधिक नजरिए से भी काफी संवेदनशील है। इसी सीट से बाहुबली अतीक अहमद 1989 से 2004 तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद फूलपुर से सपा के टिकट पर सांसद बने। फिलहाल अतीक अहमद जेल में हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को AIMIM की तरफ से मैदान में उतारा जा रहा है। बीजेपी फिर से सिद्धार्थनाथ पर दांव खेल सकती है, तो वहीं सपा ऋचा सिंह को उतार सकती है। ऐसे में इस सीट पर बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस तरह से प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट हॉट सीट बन गया है। ऋचा सिंह का फिर से चुनावी मैदान में उतरना इस बात को साबित तो करता है कि सपा की ये कद्दावर नेता हैं और सपा इनके ऊपर बार बार दांव खेल सकती है। अब सपा का ये फैसला कितना सही साबित होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।